महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने का फैसला किया है। उस फैसले के खिलाफ गोंदिया जिले का कुणबी समाज एकजुट हो गया है और उन्होंने गोंदिया जिले में कुणबी समाज जन आकार बहावर सभा की रैली निकालकर अपना विरोध जताया है। मोटरसाइकिल रैली और सरकार मराठों को कुणबी समाज का प्रमाण पत्र देगी, ऐसी मांग इस जाकर सभा में की गई। जिले में कुणबी समुदाय मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं है बल्कि कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के खिलाफ है और समय आने पर कुणबी समुदाय सरकार के खिलाफ जाकर विरोध प्रदर्शन करने की भूमिका में है। मनोज जरांगी ने जालना में मराठा आरक्षण के लिए अनशन शुरू किया। इस समय महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र देने का फैसला लिया था, जिसका असर धीरे धीरे गोंदिया जिले में भी देखने को मिला है। गोंदिया जिला कुणबी समुदाय बाहुल्य जिले के रूप में जाना जाता है। यहाँ के कुणबी समुदाय के मराठाओं ने कुणबी समुदाय का प्रमाण पत्र देने के खिलाफ कुणबी जन आक्रोश जाकर सभा का आयोजन किया और कहा कि सरकार मराठों को कुणबी समुदाय का प्रमाण पत्र न दे। पहले से ही ओबीसी को कम आरक्षण दिया जा रहा है, अब अगर मराठा समुदाय को कुणबी समुदाय में शामिल किया जाता है तो कुणबी समुदाय को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए गोंदिया जिले के कुणबी समुदाय ने एकजुट होकर इस फैसले का विरोध किया है। कुणबी समुदाय ने ये भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे जब ओबीसी समुदाय एकजुट होकर इस फैसले का विरोध करेगा। आंदोलन फक्त जन आक्रोश, मराठा समाजाने जी मागणी केलेली आहे त्या मागणीला आमचा विरोध। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मराठा समाजाचं काय आरक्षण द्यायचं असेल तर त्यांनी द्यावं, परंतु कुणबी समाजामध्ये प्रवेश त्यांना द्यायचं आणि कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र त्यांना इश्यू करून त्यांना ओबीसीमध्ये घ्यायचं, याच्यासाठी हा जन आक्रोश आहे। आणि हा जन आक्रोश जर महाराष्ट्र शासनाने आम्हाला धोक्यात ठेवून जर कुठला प्रकार करत असेल तर यापुढे कदाचित परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकेल। त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने, निदान शासनाने विचार करावा आणि ओबीसीवर आणि कुणबी समाजावर अन्याय होणार नाही याची नितांत काळजी घेतली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। नाही, मागील 15 दिवसापासून मराठा समाजाचे जालना इथं जे त्याचं उपोषण सुरू होतं त्यामध्ये त्यांना कुणबी समाजाचं प्रमाणपत्र देण्यात यावं आणि ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावा असं जे आंदोलन करण्यात आलं त्यामध्ये कुणबी समाजाचा विरोध आहे। आमच्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयी विरोध नाही, त्यांना देण्यात यावं काही हरकत नाही, परंतु ओबीसी समाजाला जो आरक्षण आहे त्याला हात न लावता त्यांना आरक्षण द्यावं त्याचं आम्ही समर्थन करू। फक्त इतकंच की जिसकी जितकी संख्या भारी उसकी उसती हिस्सेदारी। जनावरांची जनगणना झाली, आमचीही जनगणनेनुसार आम्हाला ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यात यावा व आमच्या ओबीसी समाजातील आरक्षणाला जर कोणी हात लावेल तर मग त्यांची वाट समजा आमची कुणबी समाज अजून ओबीसी समाजाबरोबर आहे, इतकं यांना ताकीद देतो। याच्यानंतर जसं ते 40 किलोचा व्यक्ती जर उपोषणावर बसला तर समजा आम्ही पण समोर उपोषणावर बसू ना, आम्ही लाखोच्या संख्येने आम्ही उपोषणात बसू, हे लक्षात ठेवा। मराठ्यांना आरक्षण देण्यामध्ये कुणबी समाजाचा कुठेही विरोध नाही, परंतु मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसीमध्ये घुसवण्याचा जो प्रयत्न आहे शासन करीत आहे, शासनाने जी आर सुद्धा काढलेला आहे, तशी कृती शासनाची दिसत आहे। या कृतीचा आणि शासनाचा आम्ही फार मोठा विरोध करणार आहोत। जर काही शासनाने अशी चुकीचा प्रयत्न केला तर यापुढे महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण कुणबी समाज पेटून उठेल आणि सोबतच ओबीसी पेटून उठेल, सरकारला सांभाळणं फार कठीण होईल, ह्या मी इशारा आज देत आहोत। अब महाराष्ट्र सरकार मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र देने के खिलाफ विभिन्न संगठनों को एकजुट कर चुकी है और कई ओबीसी संगठन सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। कुणबी समाज और ओबीसी समाज ने अब यह रुख अपना है कि सरकार मराठों को ओबीसी में आरक्षण न दे और उनके लिए आजादी की व्यवस्था करे। सरकार इसे दोहरी भूमिका से कैसे देखती है और ओबीसी के मुद्दों को कैसे सुलझाती है यह अब महत्वपूर्ण होगा। मिस इंडिया न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।